बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी आग्रह करते हैं, वो सभी के साथ देखते हैं, सभी को, ये किसान हमारे अन्नदाता है, इनको भी देखें, अपनी चुप्पी मुंह की चुप्पी खोल के किसानों को देखें। नीतीश कुमार जो हमारे माननीय सीएम जो है, उनको भी चाहिए कि अपनी चुप्पियां तोड़ें। अगर वे नहीं देंगे तो वे किसानों की नज़र में भी, उनकी जो रेपो बनी हुई है सबकी नज़र में, उस पर फर्क, उनकी उनकी छवि पर फर्क पड़ेगा। लाखों लाख किसान जो पहुंच रहे हैं, उनकी सरकार अवहेलना कर रही है, उनको पास सरकार को जाके, मोदी सरकार को जाके उनसे बात करना चाहिए। वो अपने जायज, बिल्कुल जायज मांग रखी है, क्योंकि किसान के पास जब फसल उगाते हैं तो उसको फसल उगाने के बाद है जो उसको न्यू फसल उपजाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होती है, क्योंकि किसान के पास ना गोदाम है, ना रखने का भंडार रखने का कोई जगह होता है, नहीं वो रख सकते हैं, क्योंकि उसको न्यू फसल के लिए उसको, इसलिए सरकार उसकी मांग को देखे, उसकी मांग को जाके पूरा करे। और मैं सीएम बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी आग्रह करते हैं, वो सभी के साथ देखते हैं, सभी को, ये किसान हमारे अन्नदाता है, इनको भी देखें, अपनी चुप्पी मुंह की चुप्पी खोल के किसानों को देखें, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। अभी लाखों लाख की संख्या में जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो पंजाब के किसान भाई लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो उनकी मांगों को लेकर तो भैया वी आर सपोर्टेड हिम। और इस विषय पे नीतीश कुमार जो हमारे माननीय सीएम जो है, उनको भी चाहिए कि अपनी चुप्पियां तोड़ें, और हम किसान भाइयों के साथ जिस तरह से हम खड़े हैं, तो हमारे सीएम भी को भी चाहिए कि वो हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हों और अपना व्यक्तित्व वो दें, अपने कुछ उनके जो सवाल हैं, जैसे अन्य मुद्दे पर, जैसे ट्रिपल तलाक पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, राम मंदिर पर वक्तव्य दिया था, उसी तरह अपने ये किसान भाई जो इतने लाखों लाख की संख्या के दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं, उनका भी समर्थन करते हुए वो नरेंद्र मोदी से अपनी बातों को रखें किसान भाइयों के लिए। एक पॉलिटी पार्टी का नहीं है, किसान सबका है। हम जो गेहूं खाते हैं वे किसान ही बनाता है। हम लोग सोच रहे हैं कि किराना वाला से ला रहे हैं या मंडी से ला रहे हैं, मंडी से नहीं आ रही, किसान मंडी को देता तो आती है। तो नीतीश कुमार के किसानियत के नाते भी, और इनकी इतनी इज्जत है, सही पॉलिटिशियन है, सही डिसीजन लेते हैं, लवी इसी लोग पब्लिक उनको चुनती है, तो उनका फर्ज बनता है किसानों को जो सही जाओ उसका मतलब उनको साथ देना चाहिए। अगर वे नहीं देंगे तो वे किसानों की नज़र में भी, उनकी जो रेपो बनी हुई है सबकी नज़र में, उस पर फर्क, उनकी उनकी छवि पर फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हें सारी कुछ वाक्य पता है कि इसके पीछे कौन राजनीति कर रहा है, तो ये आज ना कल इसका समाधान निकल जाएगा। जो हमारे सिख परिवार, सिख लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो भी भली भांति जानते हैं कि इसका रिजल्ट जो है सिर्फ किसानों के भले के लिए है जी। तो श्री नीतीश कुमार जी अभी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो इसमें जो दूसरे जो लोग घुसे हुए इस आंदोलन में, जो आंदोलन का रूप दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। जो कुछ भी आज पंजाब में किसान लोगों के साथ में हो रहा है, और किसान लोग दिल्ली की तरफ जो गए हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए उन लोगों की बातों को अच्छी तरह से समझें, और जो वो लोग चाहते हैं उनको अपना निष्कर्ष करके, आपस में विचार करके, उन चीज़ों को उनके हक में, जो किसान चाहते हैं, अगर किसान का आप भला चाहते हो तो आप किसान के लिए भी जो अच्छा वो होता है MSP पे, जो वो चाह रहे हैं उसको फिक्स किया जाए। और रहेगी बात माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तो इनका तो सिखों के साथ सहयोग बहुत रहा है, जो पहले प्रकाश पूर्व भी जो 350 साल में नीतीश कुमार जी ने महाराज जी का, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाया है उन्होंने, वो तो सिखों के साथ पूरी तरह से निस्वार्थ है, क्योंकि सिख की यहाँ उतनी पॉपुलेशन नहीं है, ये सिख यहाँ बिहार में कोई वोट बैंक नहीं है, ठीक है ना। और नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि जो किसान के फेवर में हो, जो किसान के हक में होना चाहिए, है ना, उनके हक में आके अपना भी स्टैंड लेके, अपना भी कोई निष्कर्ष जवाब उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो NDA में सम्मिलित है ना, अलायंस सरकार है, उनको भी चाहिए, वहाँ के सिख, यहाँ के सिख, सिख तो एक ही हैं, ठीक है ना, उनको भी चाहिए अपना जवाब आगे रखें, अपना पक्ष जो है मीडिया के सामने रख के, है ना, जो उचित होता है किसान भाइयों के साथ। जरूरी नहीं है किसान भाई तो खाली आज पंजाब के थोड़ी ही आगे आए हैं,
यूपी के हैं, हर तरफ के हैं, किसान भाई हर तरफ के हैं और पूरे देश के हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, हर जगह इन लोग लगे ही रहे हैं। इसलिए इसमें स्टैंड लेना चाहिए अमित शाह जी को भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी, माननीय नीतीश कुमार जी को भी, इसमें अपना स्टैंड क्लियर करके जैसे वो चाह रहे हैं खुले में इसमें बात हो जाए, है ना, उसमें इसको टाला ना जाए, इसको निष्कर्ष जो है निकाल के उनको किया जाए, जो हो सकता है किसानों के पक्ष में किया जाए।